कहीं होटल वोटल में नहीं गए, सीधे घर को आ गए हैं। अब किसी और नहीं जाएंगे क्योंकि मौसम पूरा खराब हो गया है, कोहरा लगा हुआ है, बारिश तो नहीं आ रही है, इसलिए अभी हम सीधे घर को आ गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो करते हैं फिर से नई दिन के साथ एक और नई ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज ऑफिस में से। अभी मैं ऑफिस में ही हूँ और अभी टाइम हो रखा है 4 बजे हैं अभी, और 5 बजे मैं चले जाती हूँ ऑफिस में से। और आज ऑफिस में कोई नहीं है क्योंकि सर लोग किसी काम से गए हुए हैं बाहर, और तो अभी बारिश भी नहीं आ रही है। सुबह के टाइम तो बारिश आई थी बहुत ज़्यादा, और अभी बारिश नहीं आई है, और बारिश हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि एक दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जहाँ देखो पानी ही पानी हो रखा है। तो अभी 5 बजे तो मैं चले जाऊँगी, और आज भैया और मैं जाएंगे शायद, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं जब से मुझे थोड़ा अक्कल वगैरह आई, होटल पे या कहीं रेस्टोरेंट जाएंगे ये सोचा हमने, प्लान बना रखा है कि आज हम साथ में कुछ ना कुछ खाएंगे ज़रूर करके। तो अभी देखते हैं क्या होता है, आप लोग को भी दिखाएंगे क्योंकि जब बचपन में तो खाया होगा साथ में, लेकिन वैसे ना ये रेस्टोरेंट वगैरह होटलों में जाके ना कभी हम लोगों ने साथ में नहीं खा रखा है अभी तक। घर में तो हम साथ में ही खाते हैं, बट ऐसे बाहर वगैरह कहीं नहीं खा रखा है। तो आज मैंने प्लानिंग बना रखी है कि आज हम कुछ ना कुछ खाएं, चाहे हम कॉफ़ी ही पिएं, बट साथ में होटल या रेस्टोरेंट में बैठें। तो अभी भैया आएगा मुझे लेने, 5 बजे आता हूँ मुझे लेने यहाँ से, तो भैया और मैं जाएंगे आज शायद होटल पे या रेस्टोरेंट पे। तो इसके बाद आगे को बनाते हैं ब्लॉग, मिलते हैं थोड़ी देर पे 5 बजे के टाइम पे। अभी तो 4 ही बजा हुआ है और बारिश भी नहीं आई है। मैं बाहर का एक बार मौसम दिखा देती हूँ, बढ़िया सी ना धूप निकल ली है, शायद कल से अब धूप ही आएगी। तो एक बार मैं बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। अंदर मैंने सॉक्स पहन रखे हैं इसलिए मैं सॉक्स वगैरह खोल के जा रही हूँ। आज मैं घर के कपड़ों पर आई हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था मौसम, इसलिए। तो जल्दी से चलते हैं एक बार बाहर की साइड को और दिखाते हैं आप सभी को यहाँ का मौसम। तो गैस अब तो धूप ही चाहिए। तो इस टाइप का कुछ हो चुका है मौसम, और ऑफिस में कोई है नहीं, बस मैं ही रहती हूँ ऑफिस में आजकल, और मेरा इलाज चल रहा है यहाँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाय शाम की चाय आ गई है और चाय के ऊपर मलाई जमी हुई है। ये डायलॉग तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा, जैसे हमारी लाइफ में कोई लोग होते हैं, ठीक है, बेकार लोग होते हैं, वैसे चाय के ऊपर मलाई भी जमी है। इसको साइड कर दूंगी अभी मैं फूक मार के, वैसे उन लोग को भी फूक मार के साइड कर देना चाहिए अपनी लाइफ से। उनको तो फूक नहीं मार सकते लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं साइड करने के लिए। तो चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर ऑफिस को लॉक करते हैं, फिर चलते हैं सीधे घर को। कहीं होटल वोटल में नहीं गए, सीधे घर को आ गए हैं। अब किसी और नहीं जाएंगे क्योंकि मौसम पूरा खराब हो गया है, कोहरा लगा हुआ है, बारिश तो नहीं आ रही है, इसलिए अभी हम सीधे घर को आ गए। ऑफिस से आने के बाद मैंने पकौड़ी चटनी और आलू की पूरी खा रही हूँ क्योंकि होटल में तो हम गए नहीं, अब जल्दी से खा लेती हूँ। इसके बाद मैंने जाना है बर्थडे में। तो दगड़ियों, ये ब्लॉग मेरा दूसरे दिन से शुरू हो रहा है क्योंकि कल जिस टाइम पे मैं खाना खाई थी उसके बाद मैं बर्थडे पार्टी में गई, और फिर मेरे फ़ोन का चार्ज भी कम था इसलिए मैं फ़ोन ने घर पे रख दिया, चार्ज भी लगा दिया। फिर बर्थडे पार्टी से आई और काम हो गई, फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, इसलिए मैं दूसरे दिन से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, उस पर ऐड करूँगी। अभी मैं ऑफिस पे हूँ और दिन के 1 बजे हैं, लंच का टाइम भी हो गया है, और ऑफिस में आज भी कोई नहीं है, सर किसी काम से गए हुए हैं बाहर, और जो दूसरे दादा रहते हैं वो गए हुए हैं कोर्ट, वो कोर्ट का ही काम संभालते हैं सर के यहाँ नहीं होने पर। तो अभी वो कोर्ट गए हैं और वो हमारे लिए आज लेके आए थे आड़ू जो अभी खाएंगे। तो जल्दी से थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है वो कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं लंच, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस लंच वगैरह कर लिया है और थोड़ी देर अब रेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद करेंगे ऑफिस का काम। मुझे भी वीडियो एडिटिंग करनी है क्योंकि जो ब्लॉग आएगा उसको एडिटिंग करना होगा, तब जाके ये आ पाएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, अब तक ले बाय।